हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएस स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सीमेन एनालिसिस क्या होता है और एग्जैक्टली सीमेन एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि जो सीमेन एनालिसिस फर्टिलिटी एस्पेक्ट से जरूरी होता है, वह हमेशा आईवीएफ लैब में अगर होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वह हाइजीनिक एटमॉस्फेयर के साथ और मॉड्यूलर एंड्रोलॉजी लैब होता है जिसमें यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। आइए अभी हम चलते हैं एंड्रोलॉजी लैब में और यह प्रोसीजर लाइव आप देख सकते हैं कि यह प्रोसीजर कैसे परफॉर्म की जाती है। जैसे हमारे एंड्रोलॉजिस्ट जो है वह यह प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मॉड्यूलर यूनिट है जिसमें विथ ऑल द हाइजीन प्रिकॉशंस जो है, जो स्टैंडर्ड्स है, वह हिसाब से सीमेन एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह जो स्लाइड है उसके ऊपर सिंगल ड्रॉप ऑफ सीमेन लिया जाता है, कवर स्लिप लगाकर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर। यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह जो है लाइव स्पर्म्स है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं वो डेड स्पर्म्स है। और अकॉर्डिंग टू WHO जो क्राइटेरिया है नॉर्मल सीमेन एनालिसिस जो है, जिसमें जो स्पर्म काउंट होता है इट शुड बी मोर देन 15 मिलियंस, मोटिलिटी जो है 32% के ऊपर होनी चाहिए जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो, और मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म्स मोर देन 4% होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे एबनॉर्मल हेड है। यहाँ पे जो है मोटिलिटी, जैसे ये जो स्पर्म आप देख रहे हो वह एबनॉर्मल स्पर्म है।